जिया हुए हैं ये। मुझे यकीन नहीं था कि YouTube वाले बाबा जी मुझे इस गरीब लड़के को फोन देंगे। भाई मुझे भी नहीं पता था कि बाबा ऐसे फोन देते हैं। तेरी वीडियो देख के ना मुझे भी समझ आ गया। इस गरीब लड़के को फोन देंगे। भाई तू गरीब के साथ साथ पोलियो का मरीज भी लग रहा है। मुझे लगता है ना बाबा की नजरों में तो दूर की बात है, तेरी खुद के नजरों में भी कोई इज्जत नहीं है। वरना बाबा ने जैसे तेरी बाल का खाल उधेड़े है ना, अगर मॉडर्न जमाने का कोई लड़का होता ना तो बाबा जैसे उसके बाल में हाथ लगाते ना तो बाबा का हाथ वो तोड़ के पता है क्या करता। समझ रहे हो ना? क्या काम करते हो आप? मैं सीमेंट का काम करता हूँ, मजदूर करता हूँ। मजदूर करता है? माफ करना मैं। कोई हमारे रिश्तेदार तो नहीं हो तुम? नहीं रिश्तेदार लगेंगे भी नहीं, तुम करिया हम गोरे। गजब बेइज्जती है भाई। करिया है गोरे है पता चल गया, लेकिन छोटा लंबाई की इनको पता नहीं चला। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे मजाक कर रहे हैं, फिल्टर लगा देंगे ठीक? अरे बाबा ये अपने चेहरे पे ना डाई करके आया है, फिल्टर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आग लगा दे तुम लोगों के अंदर, आग लगाए। नहीं 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 भाई आग मत लगाओ यार। कान पकड़िए, दोबारा गलती नहीं करेंगे। पकड़ कान पगली। नहीं करेंगे ना? नहीं करेंगे। ये YouTube से पैसा कमाना चाहती है? हाँ हमें भी पैसे कमाना है YouTube से। दूसरों की वीडियो डाल दिया आप लोग नहीं करिएगा बंदे फूटी कोई, आप YouTube से नहीं कमा पाएंगे। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। ए हम भी बाबा का वीडियो डालने का, स्ट्राइक तो नहीं आ जाएगा? हमारा भी चैनल तो डिलीट नहीं हो जाएगा? नहीं बाबा ऐसा मत करना। मत करना बाबा, हम आपके चेले हैं। आपका चैनल प्रमोट करेंगे YouTube वाले बाबा। है चल 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 ए गाड़ी स्टार्ट कर। एक मिनट, लेकिन ये और कुछ बोला आगे देखने दो। कमेंट करना है और जिसके कमेंट पर सबसे ज्यादा लाइक होंगे भाई साहब, अच्छा उसको YouTube वाले बाबा अपने चैनल पर खुद प्रमोट करेंगे। ए यार ये वीडियो तो एक महीने पहले की है, अब तक तो इसने किसी का चैनल प्रमोट भी कर दिया होगा। बाबा ने एक गाना निकाला है मसीहा। अब दोस्तों ये गाना नहीं चल रहा ना तो बाबा बीमार पड़े रहते हैं, एक एक सप्ताह दो दो सप्ताह तक। और फिर पता है बाबा को क्या करवाना पड़ता है? देखो लगता गाना नहीं चला तभी और बीमार हो रहा है। अब दोस्तों ये तो पागलपंथी कुछ भी नहीं है, जरा इनसे मिलिए। जहाँ पे रोना चाहिए वहाँ पे भी हंसने लगते हैं। भाई हमारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट लेके आए हैं। चलिए चलिए देखते हैं, हम भी गिफ्ट देखते हैं। ये देखिए भाई ये तो टट्टी है। बे यार ऐसा तो ये तो यार वैसा लग रहा है जैसे कि हम लोग पहले चिंगम खाते थे, यहाँ पे चिपका लेते थे ऐसे और ऐसे उधारते थे, उसपे नहीं चिपका हुआ आता था। आदमी है यार। और दोस्तों इनके पास भक्तों की इतनी ज्यादा भीड़ लगती है कि जब बाबा पूछते हैं कि आपने मुझे फॉलो किया है और वो बंदा बोलते हैं कि नहीं बाबा हमने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो बाबा गुस्से में इतना ज्यादा बौखला जाते हैं, इतना ज्यादा पागल हो जाते हैं कि देखिए क्या करते हैं। इनका देखो चली आए हैं ऑनलाइन पैसा कमाना, लेकिन पैसा कमाना सीखना चाहते। इधर देखो ससुरान का इनका, ये भी ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते सीखना। ये क्या है इस पे आप इसे तुम क्या कहना चाहते हो ये सब देख के? इस पे मैं कहना चाहूंगी इसका नाम पगला बाबा रखा जाए, ये पगला बाबा पे ही सूट करता है क्योंकि ये बाबा पागल है एक नंबर का। हाँ हाँ वैसे इसका जो रिएक्शन हो रहा है ना, ये पता नहीं कैसे पुतलों को मार मार के बात कर रहा है, वो रिएक्शन देख के तो कोई यही बोलेगा कि भाई फॉलो कर। फॉलो कर आज से मैं भी घर में जितने भी सामान है दरवाजे दीवार सबसे फॉलो करवाऊंगा। सबसे फॉलो कर भाई, मेरे तो फॉलोअर बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। मस्त प्लान है। और अभी तो रुको, चलो आगे दिखाता हूँ इससे भी बहुत भयंकर तरीके का पागलपन। What the fuck यार, तू पागल है क्या? अबे तू पार तेरी मां साड़। दिन ज्यादा दूर नहीं है जब जब लड़की अपने पापा से बोलेंगी इसकी माँ का कि पापा मुझे इंजीनियर डॉक्टर से नहीं, मुझे एक यूट्यूबर से शादी करनी है। सच्ची में? बाबा जी मन में था जो वही बोल देते। समझ रहे हो? 3 करोड़ का स्कूल यूट्यूब वाले बाबा ने खड़ा किया है। फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली। उसके लिए नहीं, गांव के बच्चों के लिए। और दोस्तों ये देखिए बाबा ने 3 करोड़ रुपए का स्कूल बनवाया है अपने गांव में, अपने लिए नहीं बच्चों के लिए। नहीं मैं नहीं मानता। लेकिन फीस तो नहीं लेंगे फिर वो? अरे पागल हो, बच्चों के लिए बनवाया, अपने लिए थोड़ी बनवाया है जो फीस लेंगे। बहुत तेज हो रहा है। बढ़ सके लेकिन 1 सेकंड। ये बसों का कलर देख के और ये स्कूल का ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इससे मुझे ना एक स्कूल का याद आ रहा है नाम। हाँ याद आ गया, ये प्राइवेट स्कूलों में बसें ऐसे चलती है। क्या प्राइवेट स्कूल में पैसा नहीं लेते हैं क्या? नहीं।
पता नहीं। तुम भी सरकारी में पढ़ी हो है मेरी तरह, तो क्या जानोगी। आज तक खुद के लिए कोई महल खड़ा नहीं किया, अरे बाबा। लेकिन बच्चों के लिए कितनी अच्छी व्यवस्था की, अरे बाबा। यूट्यूब पे चल कैसे? बाबा ने अभी तक अपने खुद के लिए महल खड़ा नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है ना कि ये जो स्कूल है ना, इससे महल जरूर खड़ा कर लेंगे। ये तो बात है, पक्की बात है। बाबा बताए ना बताए, लेकिन मुझे पता चल गया। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसमें पढ़ाई किस चीज की होगी, यही यूट्यूब सिखाने की कि यूट्यूब पे इंटरनेट पे वायरल कैसे हो, क्योंकि वो तो मुझे तो पोस्टर भी बनवा रहे। मुझे तो अभी तक इसमें बच्चे पढ़ते हुए नहीं नजर आए, इसमें बड़े बूढ़े पढ़ते आ रहे हैं, जो बेचारे थक हार जाते हैं यूट्यूब से ना। शूट हुआ था, हाँ हाँ, गाना भी मसीहा ये भी शूट हुआ था। और जो बच्चे थके हारे रहते हैं ना, जो काम काज और बेरोजगारी से, वो आते हैं यूट्यूब का भैया टूटे हुए दिल लेके इस स्कूल में पढ़ने के लिए। और कौन पढ़ाता है? बाबा। तो दोस्तों देखा आपने पगला बाबा का पागलपंथी, बहुत अजीबो गरीबो तरीके से इनकी वीडियो बनती है, लात घुसे मार मार के, डांट डूट के, और पता नहीं कैसे कैसे पागलपंथी कर करके वीडियो बनाते हैं। और ये वीडियो देख के तो भैया मजा आ जाता है, और आपको भी मजा आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इनकी पागलपंथी की पोटली बहुत बड़ी है, थोड़ा थोड़ा खोलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में भी बहुत मजा आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।